जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी तो थी ही, पर अब हालात ये है कि एम्बुलेंस समय पर मरीजों के पास नहीं पहुंच रही। लोग खुद ही जुगाड़ से ही मरीज को अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। शहर में जब एक महिला मरीज की तबीयत बिगड़ी तो आनन फानन में परिजनों ने एम्बुलेंस का इंतजार करना छोड़ दिया और पास में ही खड़े ठेले गाड़ी को एम्बुलेंस बना लिया। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मरीज को अस्पताल की ओर ले चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, ऐसी कोई किसी के आपके संज्ञान में आई हो या आपने मेरे भी संज्ञान में डाली है? और अगर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें। 1075 जो हमारा हेल्पलाइन और कोरोना संबंधित जो 24 घंटे हमारी जो सेवाएँ चल रही है उस पर वो कॉल करें। और उसके अतिरिक्त भी सभी अस्पतालों के नंबर आज की तारीख में सभी लोगों के पास में, शासन प्रशासन के भी सभी के लोगों के नंबर सभी के पास में, वो किसी माध्यम से हमको खबर करें, हम तत्काल उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करा देंगे। बेड खाली जो जैसे सभी हमारे यहाँ पे प्राइवेट और जो हमारे शासकीय जितने भी अस्पताल हैं उनमें बेडों की संख्या कोविड के हिसाब से निर्धारित है, और खाली होने की जो संख्या रहती है वो डॉक्टर उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन मरीज स्वस्थ अभी है और जो इसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं वो डॉक्टर्स की अनुशंसा या डॉक्टर के कहने के पश्चात में ही फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है, और फिर उसके बाद में जिसको आवश्यकता होती है उनको उपलब्धता उनकी सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से अभी बुराना की ये रिपोर्ट।